फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इसके लेखक कौन होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आपको 10 मार्क्स का पूछा जाता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है। तो महात्मा गांधी है लेखक, ये आपको मिलान करने के लिए 10 मार्क्स में पूछा जाता है। आपको मैं दिखा देता हूँ, 2020 में 5 मार्क्स का पूछा गया था मिलान करने वाला, जो सब साल पूछा जाता है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये है हमारा 2020 का, और हम दिखाते हैं, देख लीजिए यहाँ पर, मैच द नेम्स ऑफ द पोएट्स गिवेन इन लिस्ट ए विथ देयर वर्क्स इन लिस्ट बी। ये आपको मिलान करने के लिए कहा गया है, जो आपको 2020 में 5 मार्क्स का पूछा था मिलान करने के लिए। ठीक है, केकी अंदारू वाला, ठीक है, कौन से चैप्टर के लेखक है, फायर ह्यूमन के लेखक कौन है, केकी अंदारू वाला, ये आपको ऐसे मिलाना है। ठीक है, इस ऐसे में ही आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन 2021 में जो इस बार एग्जाम हुआ था उसमें 10 मार्क्स का पूछा गया था, दो दो मिलान करने के लिए, इसलिए आपको बहुत ही आसान है 10 मार्क्स लेने का। ठीक है, तो दिखा देता हूँ 2021 में जो पूछा था 10 मार्क्स का, दिखाता हूँ, देखिए ये हमारा 2021 का है, सेट एच है। ठीक है, 2021 का है, इसमें 10 मार्क्स का पूछा गया है मिलान करने के लिए। ठीक है, जो कि ये आपके राइटर के नाम है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन सा है, और 100 ऑब्जेक्टिव भी पूछा गया था। ठीक है, तो देखते हैं, देख लीजिए यहाँ पर, ये है, देखिए फर्स्ट है, ठीक है, ऑप्शन डी नंबर में दिया है, वही एक है ये। ठीक है, एक नंबर दे दिए हैं ये, एक आपको ये 5 मार्क्स में ये आपको बना देना है, ये भी मिलाने वाला है। ठीक है, वाल्टर डेलामेयर है, तो आपको मैं अभी बताऊंगा, आपको सभी याद कर लेना है। ठीक है, जो आपको 10 मार्क्स में पूछा जाता है, देखिए ये एक नंबर है ना, और एक और दे दिया है इसी टाइप का। ठीक है, ये आपको कुल मिला के 10 मार्क्स में आपको पूछा जाता है, देख लीजिए यहाँ पर, ये आपको 2021 में पूछा गया था, दो दो मिलान करने वाले, बहुत ही आसान, 10 मार्क्स अच्छा से आप ले सकते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा, देख लीजिए यहाँ पर है फर्स्ट नंबर पर्ल एस बाक, ठीक है, इसमें है टी एस इलियट, ये दोनों दो है। ठीक है, इसलिए आपको ये याद कर लेना है। ठीक है, ये बार बार पूछा ही जाता है 5 मार्क्स या 10 मार्क्स का, लेकिन अब से 10 मार्क्स पूछा गया है 2021 में, इसलिए पूछेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से याद कर लेना है, ये सभी को देख लीजिए, देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है, इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर प्रवज में, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। ठीक है, दो नंबर है हमारा भारत इज माय होम, भारत इज माय होम के लेखक कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, भारत इज माय होम के लेखक कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब देखिए तीन नंबर, ए पिंच ऑफ अस्नफ के लेखक कौन है, मनोहर मालगोनकर। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा ये सब। ठीक है, ये पिंच ऑफ अस्नफ मनोहर मालगोनकर के है। ठीक है, अब चौथा नंबर हमारा है आई हैव ए ड्रीम के लेखक कौन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, जे आर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है, आई हैव ए ड्रीम के हैं। पांच नंबर है हमारा आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। ठीक है, इसके लेखक हैं बर्ट्रंड रसेल। आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, बर्ट्रंड रसेल द आर्टिस्ट। सिक्स नंबर है हमारा द आर्टिस्ट के लेखक कौन है, सीगा नयोया। ठीक है, NAOYA नयोया। ठीक है, और है हमारा सेवन नंबर ए चाइल्ड इज बोर्न के लेखक कौन है, जर्माइन ग्रेयर ए चाइल्ड इज बोर्न के। ठीक है, हाँ, आठ नंबर है हमारा हाउ फ्री इज द प्रेस के लेखक कौन है, ड्रॉथी एल सेयर्स। ठीक है,
ये सभी आपको याद सब मिला के है 20 21 है, ठीक है। 21 में से मान लीजिए आपको 10 मार्क्स का पूछा जाता है, तो कितना आसान है। 21 आप याद कर लीजिएगा, इतना छोटा छोटा सा है, आपको 10 मार्क्स आ जाता है बहुत आसानी से, ठीक है। रथी एल शेर से 9 नंबर है हमारा द अर्थ। द अर्थ के लेखक कौन है? एच ई बेट्स, BATES, ठीक है, ये एस है। द अर्थ के लेखक कौन है? एच ई बेट्स। 10 नंबर हमारा है इंडियन थ्रू ट्रेवलर्स आई, इसके लेखक कौन है? पर्ल एस बक, ठीक है, ए मैरिज प्रपोजल। 11 नंबर है हमारा ए मैरिज प्रपोजल, इसके लेखक कौन है? एंटोन चेकोव, ठीक है। ये 11 हो गया, ये है हमारा प्रोज का, ठीक है, देख लीजिए, ये हमारा प्रोज का है 11 नंबर, ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब है हमारा, देखते हैं, पोएट्री। पोएट्री में हमारा आता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक कौन है? जॉन डन, ठीक है, जॉन JONDONNE, डन, जॉन डॉन। 2 नंबर है हमारा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन है? वाल्ट व्हिटमैन, WITHMAN, वाल्ट व्हिटमैन। 3 नंबर है नाउ द लीव्स आर फैलिंग फास्ट, इसके लेखक हैं WH WOODEN, ठीक है, WH WOODEN। 4 नंबर है हमारा टू ऑटोमन के लेखक कौन है? जॉन किट्स। 5 नंबर है हमारा एन एपिताफ के लेखक कौन है? वाल्टर डेला मेयर। 6 नंबर है हमारा द सोल्जर, ठीक है, द सोल्जर, ये बुक्स 50 नंबर में भी जब आपको पूछा जाता है 50 मार्क्स का एक बुक होता है, ठीक है, 2017-18 में 50 मार्क्स का एक बुक होता था और 150 का इंग्लिश होता था ना, तो उसमें भी ये द सोल्जर था, ठीक है, इसका लेखक कौन है? रूपर्ट ब्रूक। 7 नंबर है मैकेबेटी द मैस्टेरी कैट, ठीक है, इसके लेखक हैं TS Eliot, ठीक है। 8 नंबर है हमारा फायर ह्यूमन के लेखक कौन है? केकी एन दारू वाला, DARUWALA, दारू वाला। 9 नंबर है हमारा स्नैक के लेखक कौन है? DH Lawrence, LAWRENCE, DH Lawrence। 10 नंबर है हमारा माई ग्रैंड मदर्स हाउस, इसके लेखक कौन है? कमला दास। अब मैं आपको अब दिखाता हूँ क्वेश्चन, आपको देख लीजिएगा, इसी में से 21 में से आपको सभी मिल जाएगा, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देख लीजिए TS Eliot, ठीक है, TS Eliot की कौन सा मिलान लगेगा ये आप लोग यहाँ से देखिए, TS Eliot, ठीक है, देखिए TS Eliot, ठीक है, मैकेवेटी द मैस्टरी कैट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर TS Eliot कहाँ पर आएगा, ये देखिए मिलान आपका लग गया ना। देखिए दूसरा है रूपर्ट ब्रूक, ये आपको प्रोज में मिल जाएगा रूपर्ट ब्रूक, ठीक है, देख लेते हैं कहाँ पर है रूपर्ट। देख लीजिए दास सोल्जर के कौन है? रूपर्ट ब्रूक, ये आपको रूपर्ट ब्रूक दास सोल्जर, ये आपको यहाँ पर मिला। ऐसे ही आपको सभी मिल जाएगा इसी में से, ठीक है, ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है बार बार, 21 में से आपको 5 मार्क्स में पूछा जाता है, या 2021 में तो 10 मार्क्स का पूछा गया था, ठीक है। तो आज भर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।